पाकिस्तान में आज 841 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। इसे देखते हुए वहां लोकतांत्रिक चुनाव की अहमियत समझी जा सकती है। आइए जानते हैं पाकिस्तान के आम चुनाव की 10 महत्वपूर्ण बातें। पाकिस्तान में आम चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे। पाकिस्तान में वोटिंग वाले दिन ही शाम 6 बजे के बाद पोलिंग बूथ में मौजूद कर्मचारियों को वहीं पर वोटों की गिनती में लगा दिया जाता है। चुनाव नतीजे रात 9 बजे से ही आना शुरू हो सकते हैं, हालांकि आधी रात के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। पाकिस्तान चुनाव आयोग के अनुसार पाकिस्तान में करीब 10.5 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। हर मतदाता 2 सीटों के लिए वोट डालेगा, एक नेशनल असेंबली और दूसरी प्रांतीय असेंबली। पाकिस्तान के चारों प्रांतों पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा और सिंध में चुनाव होने जा रहे हैं। नेशनल असेंबली में 272 प्रत्यक्ष सीटें और 70 आरक्षित सीटें हैं। चुनाव सिर्फ प्रत्यक्ष सीटों पर होंगे। इस तरह किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 137 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। इस चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई PMLN, PTI और PPP के बीच है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के प्रमुख पूर्व PM नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के प्रमुख पूर्व क्रिकेटर इमरान खान है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के प्रमुख पूर्व PM बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल तमाम धार्मिक दलों का एक संगठन है। ग्लोबल टेररिस्ट की सूची में शामिल हाफिज सईद ने भी मिल्ली मुस्लिम लीग नामक एक राजनीतिक दल बनाकर अपने करीब 200 कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतारे हैं। हालांकि इस दल को अभी चुनाव आयोग की मान्यता नहीं मिली है। दिलचस्प और सच्ची खबरों के लिए सब्सक्राइब या लाइक कीजिए SNN TV इंडिया।